हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDB के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB के रूप में घोषित किया। जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है। इसे अक्सर पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति में विद्यमान आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां की जलवायु निर्धारित हो और उस प्राकृतिक क्षेत्र में जीव जंतु, वृक्ष और वनस्पतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा इस प्रकार है: धरातलीय, महासागरीय एवं वन्य जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित अथवा उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता जैव विविधता है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं बनी रहें। खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है। सर्वप्रथम वाल्टर जी रासन के द्वारा जैव विविधता शब्द प्रयोग किया गया। संरक्षण की आवश्यकता। जैव विविधता के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, जहां प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधों की प्रजातियों की एक बड़ी संख्या के होने का अर्थ है फसलों की अधिक विविधता। अधिक प्रजाति विविधता सभी जीवन रूपों की प्राकृतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। प्रायः जैव विविधता को 3 भागों में बांटा जाता है। अनुवांशिक जैव विविधता एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली एक ही जाति के मध्य विभिन्नता, उदाहरण के लिए एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी। प्रजाति या जैव विविधता प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को प्रजातीय जैव विविधता कहा जाता है, जैसे चारों ओर वृक्षों, पौधों, झाड़ियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना। पारिस्थितिकी जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपलब्धता ही पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है, उदाहरण राजस्थान में ऊंट की अधिकता। जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता न केवल पृथ्वी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि यह मानव के लिए कई सारी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। संक्षेप में इसके महत्व को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। जैव विविधता से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए भोजन, औषधि, लकड़ी, ईंधन, चारा इत्यादि। जैव विविधता कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें रूप प्रतिरक्षी भी बनाता है। जैव विविधता के विभिन्न घटक पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, इसके साथ ही वह संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण। जैव विविधता कार्बन डाइऑक्साइड समेत हरित गैसों के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। जैव विविधता पृथ्वी पर एक संतुलन बनाए रखती है, उदाहरण के लिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा पारिस्थितिकी विविधता के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। जैव विविधता के क्षरण के कारण। मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करने से जैव विविधता में लगातार क्षरण हो रहा है, जिसे निम्न तरीके से समझा जा सकता है। आवास का नष्ट होना, बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप मनुष्य की आवश्यकता के लिए स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों के लगातार अतिक्रमण से इन पर आश्रित जीव जंतु के आवास लगातार नष्ट होते जा रहे हैं। आवास का विखंडन, लगातार जंगलों और अन्य क्षेत्रों के अतिक्रमण से वन्य जीवों के आवास का विखंडन। कीटनाशक और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त रसायनों, प्लास्टिक इत्यादि के कारण जलीय एवं स्थलीय जीव जंतु समेत जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव। प्रदूषण, अत्यधिक प्रदूषण जल, वायु और मृदा के कारण कई सारी प्रजातियां के अस्तित्व पर संकट आ गया है। पारिस्थितिकी सेवाओं का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक चराई,
व्यापक मात्रा में शिकार, मत्स्यन्वनोन्मूलन इत्यादि से जैव विविधता के अस्तित्व पर संकट। विदेशी प्रजातियों एवं परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश इनके कारण से स्थानीय जैव विविधता को काफी नुकसान होता है। अंधाधुंध वनोन्मूलन जंगल जैव विविधता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके अंधाधुंध कटाई से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्राय दो विधियां प्रयोग में ली जाती है, स्वस्थाने संरक्षण इंस्टीट्यूट कंसर्वेशन। संरक्षण की विधा में जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। संरक्षण की इस विधि के तहत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल रिजर्व आदि की स्थापना की जाती है। बहिस्थाने संरक्षण एक्सिट्यू कंसर्वेशन। संरक्षण की इस विधा में किसी संकटग्रस्त पादप या जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन, चिड़ियाघर, एक्वेरियम इत्यादि को रखा जाता है। जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN प्रकृति के संरक्षण में स्थापित यह प्रथम पर्यावरणीय संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। यह विभिन्न पादप एवं प्राणी प्रजातियों का अध्ययन कर 1972 में एक पुस्तक रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यह सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्ञान तथा युक्तियां प्रदान करता है, ताकि मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। भारत इस कन्वेंशन का सदस्य है। जैव विविधता विस्मय CBD 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित हुए पृथ्वी दिवस में इस कन्वेंशन को अपनाया गया। यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे वर्ष 1993 से लागू किया गया। भारत CBD का एक पक्षकार पार्टी है। अब तक CBD ने जैव विविधता से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल एवं को मंजूरी दी है। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, यह सजीव संवर्धित जीवों LMO के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। आईची लक्ष्य, इसका संबंध जैव विविधता पर दबाव को कम करते हुए इसके लाभों को सभी में बढ़ाने से है। नागोया सम्मेलन के दौरान वर्ष 2011-2020 के लिए जैव विविधता कार्य योजना स्वीकार किया गया था, जिसमें नागोया प्रोटोकॉल के अलावा आईची लक्ष्य भी शामिल है। इसके अलावा कई अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण, मरुस्थलीकरण पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज इत्यादि। भारत में जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयास। भारत जैव विविधता सम्मेलन CBD 1992 का हिस्सा है, जिसने राज्यों को उनके जैविक संसाधनों के उपयोग और संप्रभुता के अधिकार को मान्यता दी है। CBD के उद्देश्यों को मजबूत बनाने तथा उसकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है, जिसे जैव विविधता कानून 2002 नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण तथा उससे जुड़े ज्ञान का सही उपयोग करना है। इसी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह कानून वनस्पतियों एवं पशु वर्ग के संरक्षण के मौजूदा कानूनों भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 को बढ़ाने में कारगर है। इसके साथ ही भारत द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट घड़ियाल तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना जैसे कई और महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं।